डिवोर्स नॉर्मली आपने जिस तरीके से शादी की है, जैसे कि अगर आपने हिंदू तरीके से शादी की है तो हिंदू मैरिज एक्ट, आपने मुस्लिम तरीके से की है तो मुस्लिम के इस्लामिक लॉज जो है उसके हिसाब से, या अगर आपने क्रिश्चियनिटीज के हिसाब से मैरिज की है तो आपको क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, और अगर आपने मैरिज रजिस्टर की है मतलब कोर्ट मैरिज की, आपने कोर्ट मैरिज ऐसा टर्म होता नहीं है बट तो आपने मैरिज रजिस्टर की है तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर, तो ये सब आपको बता सकता है एक एडवोकेट। तो एक आप अच्छा वकील हायर करना और उसको जाके पहले उससे सलाह लेना कि आपका क्या कैसा सिचुएशन है और आपका पार्टनर कैसा है। सबसे पहली बात तो शुरुआत होती है लीगल नोटिस से, शुरुआत होती है कि अगर आपके पार्टनर में और आप में समझौता हो, आपका आपने दोनों ने म्यूचुअली अग्री किया है और आपने अगर डायरेक्टली दोनों ने मिलके अगर वकील को कंसल्ट किया है तो भी आप वो कर सकते हो म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स में, या अगर आपका पार्टनर राज़ी नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में वकील लीगल नोटिस देके आपके पार्टनर को सबसे पहले म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए मनाने की कोशिश करता है। बट अगर फिर भी वो ना माने तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए कॉन्टेस्टिंग डिवोर्स फाइल करते हैं, जो कि एक तरफा डिवोर्स होता है। एक तरफा मतलब अगर हस्बैंड या वाइफ कोई तैयार नहीं है आपका, तो हस्बैंड या वाइफ जिनको डिवोर्स लेना है वो अपने तरफ से डिवोर्स फाइल करते हैं, बाद में कोर्ट उनको समन्स भेजता है और अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे प्रेजेंट होके फिर उनकी जो भी बात है वो कोर्ट को बताते हैं, समझाते हैं, फिर वो कोर्ट प्रोसीजर चालू होता है। तो जनरली अगर एक वकील के तौर पे मुझे अगर पूछा जाए कि कौन सा तरीका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा तरीका आपको सबसे जल्द से जल्द डिवोर्स दे सकता है, तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स ही सबसे आसान है। आसान मतलब आसान तो है नहीं, बट आप वो 6 महीने से लेकर 18 महीने तक आपको डिवोर्स मिल सकता है उसमें, अगर बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारे कोर्ट को लगता है कि आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते, तो ऐसे सिचुएशन में डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मैं रेकमेंड करती हूँ। कॉन्टेस्टिंग डिवोर्स में हम लोग नहीं बता सकते कि कितने साल आपका केस चलेगा और सामने वाली पार्टी मानेगी भी या नहीं भी मानेगी, तो इसीलिए पति पत्नी ने अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं तो समझौता करो और म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स करो, यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। बट जैसे आपका केस है, जैसे आपकी सिचुएशन है, जैसे आपकी प्रॉब्लम्स की गहराई है, तो उसके हिसाब से आप आपके वकील को कंसल्ट करना, क्योंकि हर केस अलग होती है, हर केस का पहलू अलग होता है, हर केस में अलग अलग चीज़ें होती हैं। जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसाचार होता है, जहाँ पे मारपीट होती है, जहाँ पे कोई क्रिमिनल टाइप का ऑफेंस होता है, ऐसे केसेस में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस ऐसे केसेस में आपको पुलिस की मदद लेनी पड़ती है, या मतलब क्या करना है आगे वो आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपका वकील आपको बताएगा, और उसके बारे में आपको पूरा डिटेल मतलब आपको जो भी आपके लाइफ में घटा है बिना झिझक किए, बिना किसी भी मतलब किंतु परंतु आपके वकील से अच्छे से, जो भी मतलब एक डॉक्टर और एक वकील से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, वैसे ही आप वो समस्या बताओगे तो उसका सलूशन जल्दी से जल्दी निकलेगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, वो नहीं बताते हैं वकील को, और फिर सलूशन निकालने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है, तो केस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस और उस सब में आपका पैसा भी जाता है। आप मतलब आपको वकील की फ़ी देनी पड़ती है, आपको कोर्ट कचहरी करनी पड़ती है, आने जाने का खर्चा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो ये सब आपका बच सकता है अगर आप थोड़ा सा सोच समझ के ठंडे दिमाग से कुछ चीज़ें सोचोगे। कोर्ट का समय बर्बाद, कोर्ट में हज़ारों केसेस होते हैं, वो ठीक है आपके आपको न्याय देने के लिए ही कोर्ट है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी आप ही के पास है, हम लोग बस आपको मदद कर सकते हैं, तो ये हेल्पिंग हैंड होगा हमारा।
और ज़रूर मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर पैचअप हो रहा है, अगर छोटी छोटी सी बात है तो उसको नज़रअंदाज करना, बट अगर सच में आप नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ तो तलाक के लिए आओगे तो पहले वकील की सलाह लेना और फिर उसके बाद उनके सलाह अनुसार आप आगे बढ़ना, आपको तलाक लेना है नहीं लेना है, फिर जो भी आगे की प्रोसीजर है वो कोर्ट की, वो आपको आपका वकील अच्छे से समझाएगा। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आप ऐसे ही वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे मुझे तो आप कमेंट बॉक्स पे आपको जो टॉपिक चाहिए मुझे कवर करने के लिए वो मैं ज़रूर करूँगी और आपको पूरे डिटेल्स में बताऊँगी। इससे रिलेटेड और डिवोर्स से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ तो आप ज़रूर देखते रहिए ये वीडियोस। ये मैं सिर्फ आपकी मदद के लिए बना रही हूँ, मुझे इसमें कोई भी ये नहीं है। और अगर आप लोग ये चाहते हो कि मुझसे कुछ सलाह मशवरा चाहते हो तो आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हो।